Bismillahirrahman Rahim, Assalamu Alaikum. Welcome to another episode of the Quarantine Series. Another day in the partial, confusing, and very, very time-testing Corona times, I would say. I hope you're doing well. I hope you're taking the safety precautions. Apna khayal rakh rahe hain, bach ke kaam kar rahe hain, apna aur dusro ka khayal rakh rahe hain. Reach out kar rahe hain apne kaam mein. Agar aap entrepreneur hain, to zyada creatively soch rahe hain ki kaise apne business ko safeguard karna hai, grow karna hai is time ke andar. Is dua ke saath ke hum sab अच्छा कर रहे हैं, हम इस लॉकडाउन को इस्तेमाल कर रहे हैं एज एन अपॉर्चुनिटी, और ऑफ कोर्स जो लोग बहुत ज्यादा ट्रबल्ड हैं उनको हेल्प कर रहे हैं. लेट्स गेट गोइंग विद टुडेस कन्वर्सेशन. आज का मौजू बहुत अहम है, इनेबलिंग वुमेन इन टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. बहुत सारे तरीके होते हैं इनेबल करने के. एक तो हम जानेंगे कि इनेबलिंग से मुराद क्या है और डिसेबलिंग बिहेवियर क्या हो सकता है. खवातीन की खास तौर पे बात हो रही है. सो फ्रॉम यंग गर्ल्स अप टू मेनी मेनी वुमेन इन दिस कंट्री हु हैव नॉट बीन एम्पावर्ड, हु डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू इकोनॉमिकली एम्पावर देमसेल्व्स, आर फाइंडिंग एम्पावरमेंट थ्रू मेनी प्रोजेक्ट्स लाइक द वन वी टॉक अबाउट टुडे. विद अस विल बी समबडी वेरी स्पेशल. हर नेम इज सदफ आबिद. बहुत ही अकम्पलिश्ड सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, वेरी वेरी क्वालिफाइड. शी इज अ सोशल एंटरप्रेन्योर ब्रिंगिंग एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन स्टार्टअप्स, वुमेन एम्पावरमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. शी इज अ फाउंडर ऑफ सर्कल वुमेन एसोसिएशन. सर्कल वुमेन एसोसिएशन आप लुक अप कर सकते हैं. एक लीडिंग सोशल एंटरप्राइज है जो कि खवातीन को एम्पावर करने पर काम करती है और इंक्लूजन पे, कि कोई भी हम में से अलग ना रह जाए, सबके सब शामिल हो सकें. खास तौर से वो जो कि अंडर सर्व्ड हैं, जो कि मार्जिनलाइज हैं. और इसको करने का बहुत अच्छा तरीका है थ्रू लीडरशिप, लीडरशिप डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. टेक्नोलॉजी, लीडरशिप डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सर्कल का जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है उसे टेक करो कहते हैं, जो कि डिजिटल स्किल सिखाता है, जिस तरीके से कोडिंग है. और ये सिखाता है टू यूथ, स्पेशली वुमेन फ्रॉम अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज, टू ब्रिंग द डिजिटल जेंडर डिवाइड एंड एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी. ग्रेजुएट्स ऑफ टेक करो जॉइन द टेक सेक्टर एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. आप जानते हैं टेक सेक्टर पाकिस्तान में ग्रो कर रहा है, बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं इसकी इकोनॉमी की जिसका वो हिस्सा बन जाती हैं. 26% खवातीन पाकिस्तान में फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा है. और सदफ का डिजाइन एलिवेट जो है वो मोबिलाइज करता है सीईओस को, बिजनेस लीडर्स को, एकेडेमिया को और की स्टेक होल्डर्स को, कि वो कमिट करें जेंडर डाइवर्सिटी पे एंड टू बिल्ड डाइवर्स एंड इंक्लूसिव वर्क कल्चर्स एंड इन्वेस्ट इन वुमेन एंड गर्ल्स. सो देयर इज अ सम एडवोकेसी देयर. सदफ प्रीवियसली जो है वो फाउंडिंग मेंबर रही हैं, सीओओ एंड लेटर सीईओ ऑफ अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द कशफ फाउंडेशन, जो कि फोर्ब्स 50 ग्लोबल माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन क्वालिफाई करता है. देयर इज लॉट्स टू सदफ प्रोफाइल, टू हर वर्क एंड टू व्हाट शी इज अप टू. लेट अस वेलकम हर ऑन द शो. थैंक यू सदफ फॉर जॉइनिंग अस. Assalamu alaikum Umair, thank you so much for inviting me. Walaikum assalam, kaisa hai aapke liye lockdown? You know, I think shuru mein jab lockdown hua to there was certainly a level of confusion aur ye kya hai wo hai, lekin immediately actually my team and I we started working on taking our initiatives online. To hum to bhatpur mehnat aur kaam karte rahe is period mein, like so many others. तो अल्लाह के फजल से आई थिंक इट्स गोइंग वेल. आई एक्चुअली डू मेडिटेशन रेगुलरली, सो दैट हेल्प्स मी स्टे ग्राउंडेड एंड एंकर्ड, एंड माय वर्क इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. सो अल्लाह के फजल से आई एम डूइंग वेल. वंडरफुल, यस, इट्स ग्रेट रिकमेंडेशन. मेडिटेट करें, अपने साथ वक्त गुजारें. सदफ बहुत ग्राउंडेड है, बहुत काम अंदाज में, बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है. आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें सवालात के थ्रू इन द कमेंट्स, एंड We'll also be joined by a special guest in the middle of the show. Afterwards, the end live, we'll join कर सकेंगे questions लेके. अगर एक्टिव बने, हाथ चलाएं, मुझे और सदफ को पहले ये बताएं कि आप कहाँ से join कर रहे हैं और ये मौजू आपके लिए क्या मायने रखता है. Enabling women in tech and entrepreneurship, what does it mean to you? हम सब ने अपने इर्द गिर्द, खासतौर से जो लड़कियां देख रही हैं, खवातीन देख रही हैं, आप तो वैसे ही बहुत बता सकती हैं, लेकिन जो बॉयज मर्द भी देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना मकसद बताएं कि व्हाट डज दिस टॉपिक मीन टू यू. आल्सो टेल अस वेयर यू आर जॉइनिंग अस फ्रॉम. लर्निंग एम्पलीफाई हो जाती है जब आप एक्टिव हो जाते हैं. सो पैसिव ना हो, उंगलियां चलाएं आपके आइडियाज रीइंफोर्स करने से, और बहुत सारे लोग भी सीखेंगे. लेट्स गेट सेलिंग. थैंक यू सदफ वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस. प्लीज हमें समझाएं कि लोगों को इनेबल करने से मुराद क्या है और डिसेबल करना हम किसे कहेंगे. मैं, ये बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज ये एक फंडामेंटल चीज है कि हम लोगों को इनेबल कैसे करें. और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम सवाल है,
क्योंकि हम हैं एक नेशन ऑफ ओवर 200 मिलियन पीपल, जिसमें 60% ऑफ पाकिस्तान जो है वो यंग है, वो यूथ है. तो इनेबल करना एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. इनेबलिंग मीन्स कि हम लोगों को मौके फराहम करें, एक इकोसिस्टम बनाएं जिसमें लोग थ्राइव कर सकें, वो ग्रो कर सकें, वो अपनी काबिलियत, अपने टैलेंट्स को आगे लेके आ सकें. और मेरी एक फर्म बिलीफ है कि जब एक इंडिविजुअल जो है वो आगे बढ़ता है या बढ़ती है, तो उसका, और स्पेशली ख़वातीन के लिए एक्चुअली, अगर एक औरत जो है वो इकोनॉमिकली आगे बढ़ती है क्योंकि वो इनेबल हो रही है, वो अपने टैलेंट्स को इस्तेमाल कर सकती है, उनकी शनाख्त कर सकती है, न्यू एरिया सीख सकती है, तो एक फैमिली मजबूत होती है. और जब एक फैमिली मजबूत होती है तो एक कम्युनिटी आगे बढ़ती है और एक मुल्क तरक्की करता है. ये लिंक जो है इनेबलमेंट में आता है. डिसेबलमेंट का मतलब ये होगा कि हमें मौके नहीं मिल रहे, मुझे वो इनकरेजमेंट ना मिले, मेरे पास मेंटर्स नहीं हैं, रोल मॉडल्स नहीं हैं जिनको देख के मैं इंस्पायर हो सकूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ. दैट मीन्स आई एम डिसएम्पावर्ड एंड आई एम नॉट इनेबल्ड, आई फील हेल्पलेस. ट्रू दैट, वंडरफुली एक्सप्लेन्ड. इनेबल में माहौल भी शामिल है, मौके भी शामिल हैं. And you especially highlighted that a female getting empowered is a household getting empowered. The impact of that, बहुत multifold impact है. और disable करना ये कि मौके ना मिले, बढ़ ना सके, structure ऐसा हो, policies ऐसी हो. अब इतने सारे काम हैं जिसपे women empowerment पे काम होता है. There's so many thematic areas, and you have worked on some as well previously, and now you have picked tech and entrepreneurship. So explain us the why. Why is tech and entrepreneurship your choice? जी, so उमेर, इससे पहले मैं financial inclusion में शामिल थी, यानी छोटे पैमाने पे औरतों को कर्जे फरहाम करना ताकि वो छोटे कारोबार कर सकें. एंड आई थिंक दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप मिली एंड आई वाज वेरी ब्लेस्ड कि मैं हार्वर्ड कैनेडी स्कूल गई अपने मास्टर्स के लिए. और आपको पता है कि वो बहुत इंस्पायरिंग इन्वायरमेंट है. मेरे ख्याल में अमरीका के जो लिबरल आर्ट्स कॉलेज है ना, वो आप में ये सोच डेवलप करते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं और आपको कुछ करना चाहिए. यू नो, change is possible and you must contribute towards change. And Harvard Kennedy School ka specially ye philosophy hai, and they encourage you ki aap apne watan wapas jaye aur wahan ke tough challenges ko dekhe and use some of the ideas jo aapko exposure mila hai, jo aapne courses kiye hain, jo tools seekhe hain, unko apply kare and learn, ask questions, listen, build allies. To is soch se main jab wapas aayi, I was in Dubai after my graduation, then I came to Karachi. Originally main Lahore se hu, to main Karachi aayi, and Karachi I have to say that I just loved Karachi. So you know, it grew on me. I love the feeling of Karachi because I feel Karachi ek aisa shehar hai jo bahut welcoming hai, open hai, progressive hai, you know, so diverse hai. To mujhe ye sab cheeze bahut achhi lagi aur maine sochna shuru kiya ki main kya kar sakti hu young logon ke liye, स्पेशली क्योंकि मुल्क हमारा यंग है और ख़वातीन के लिए. और उस तरह से मुझे एक्चुअली आइडिया आया हुआ, द मोर आई रिसर्च्ड आई फाउंड उमेर कि ख़वातीन हमारी मुल्क की वो स्टक है इनफॉर्मल इकॉनमी में, लो ग्रोथ सेक्टर्स में, और वो उनकी पे भी बहुत कम और उनकी करियर ग्रोथ नहीं है. और इसलिए मैंने क्वेश्चन करना शुरू किया कि इसके लिए क्या किया जा सकता है. एंड दैट्स हाउ आई थॉट कि टेक्नोलॉजी, यू नो, आपने बात शुरू करते हुए भी कहा कि दिस इज अ ग्रोइंग सेक्टर, इट्स अ हाई ग्रोथ सेक्टर, नॉट जस्ट पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ख़वातीन ना सिर्फ हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में जो है टेक्नोलॉजी का हिस्सा नहीं है. दैट इज़ वाई वी से कि जेंडर डिवाइड है टेक सेक्टर में. सो आई वॉन्टेड टू फिल दैट जेंडर डिवाइड कि हम कैसे इसको कर सकते हैं और हम कैसे ख़वातीन को तैयार कर सकते हैं कि वो टेक सेक्टर में ज्वाइन करें. Wonderful, wonderfully put. You, you're very humble in mentioning your own journey, your own experience, and then coming back and making it happen for so many women. And rightly said, tech sector has so many growing opportunities. हम ये भी जान रहे हैं कि पाकिस्तान की ज़्यादातर आवाम 60% हम सुनते रहते हैं जवान है. जवान अगर है तो आप समझते हैं आधी उसमें से ख़वातीन की, लड़कियों की, और अभी भी जो employed हैं या engaged हैं वो ज़्यादा informally engaged होती हैं. And this is Sadhav's attempt to sort of
give them a better opportunity so that they can find that financial empowerment, which cannot come from the current way of being. Would you like to mention any successes in this realm? You've, of course, been working for many, many years. Tell us a few stories. सबसे पहले तो मैं आपको स्टोरी के साथ साथ शुरू में बताऊंगी कि जब हमने ये स्टार्ट किया तो एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने कहा ये नहीं चलेगा, क्योंकि लड़कियां, आप उनको कोडिंग सिखाना चाह रही हैं, इस वक्त तो प्रोग्राम्स में सिर्फ 10% ख्वातीन हैं। सो हम बात कर रहे थे कि हम मेजॉरिटी वुमेन क्लासरूम्स बनाएंगे जिसमें वो टेक्नोलॉजी सीखेंगे। सो एक तो ये आउटलायर था, देखा नहीं गया था। सो पीपल सेड दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, आपको ख्वातीन मिलेंगी नहीं, अगर मिल जाएंगी तो वो ड्रॉप आउट हो जाएंगी, वो कोर्स नहीं कम्प्लीट करेंगी, उनको इजाज़त नहीं मिलेगी। और फिर ये कि टेक सेक्टर जो है वो ऐसी ख्वातीन जो कि अंडरसर्व कम्युनिटी से आएंगी, जिस तरह से कुरंगी, बल्तिया, लियारी, वो उनको हायर नहीं करेंगी। सो देयर वर मेनी चैलेंजेस, और अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ उमेर, तो मैं हमने सबसे पहले उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, जो गुलशन इकबाल में है कराची में, उनके लैब्स बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है, वहाँ पे हमने पायलट स्टार्ट किया। तो लिटरली उस इलाके में आई वुड ऑल्सो गो आउट एंड टॉक टू पेरेंट्स, टू ट्यूशन सेंटर्स, टू कम्युनिटीज, कन्विंसिंग देम कि आए। और फिर हमने फैमिलीज के साथ ओपन टी हाउस टी मीटिंग्स की, उनको बताया, और बहुत इस तरह से वक्त लगा, लाइक कुछ महीने लगे टू बिल्ड दैट ट्रस्ट एंड रैपो। और फिर लोग हमारे साथ शामिल हुए, और हमारी फर्स्ट क्लास में यू नो आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स 65% वो विमेन। तो मैं आपके साथ सक्सेस का ये शेयर करूं, फ्रॉम द सेम कम्युनिटीज दैट पीपल सेड इन कम्युनिटीज से नहीं आएंगी, और आप भी गई तो फिर नंबर 4। और सोचिए लियारी से लड़कियां आती थी जो कि दो दो घंटे ट्रैवल करके हमारे प्रोग्राम में शामिल होती थी। तो आई फील कि हमारे मुल्क में हमारे मुल्क में यंग लोग हैं ऐसे जो कमिटेड हैं, जो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, डिसिप्लिन नहीं है ज़्यादा, उनको डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है, रोल मॉडल्स की ज़रूरत है। लेकिन इसीलिए अगर एक इकोसिस्टम बनाया जाए तो उससे जो है वो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सक्सेस स्टोरी का तो मैं ये बताऊँगी कि इट इज़ रिमार्केबल, हमारे साथ लड़कियाँ हैं जिनको कुछ पता नहीं था कोडिंग क्या है। और सोमिया की मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगी, बल्दिया से, फर्स्ट टाइम आई मेट हर लास्ट ईयर, क्लास ब्रेक हो रही थी, मैंने उसे कहा रैंडमली, एक लड़की को मैंने कहा आपकी, मैंने कहा हाउ इज योर क्लास, एंड दिस वुमन सेज टू मी आई लव कोडिंग, आई सेड रियली, एंड देन शी सेज टू मी आई वेक अप थिंकिंग ऑफ कोड एंड आई स्लीप थिंकिंग ऑफ कोड, आई सेड वाओ। और आप सोचे, मैंने कहा वाओ, मैं न्यूयॉर्क में नहीं हूँ, मैं इस वक्त गुलशन इकबाल में ये बात कर रही हूँ। फिर उससे मैंने पूछा, अच्छा आपको कैसे पता चला हमारे प्रोग्राम का? उसने कहा मैंने फेसबुक से देखा, मैं एक टीचर हूँ, मैं आई टेस्ट देने के लिए, फिर मैंने सोचा मैं ये नहीं कर सकूँगी और ये तो बहुत मुश्किल होएगा, फिर मैंने और लड़कियों को देखा तो मैंने कहा ये मुझे ट्राई करना चाहिए, एंड शी वॉज वन ऑफ आर बेस्ट ग्रेजुएट्स, एंड टुडे शी इज एक्चुअली वर्किंग विद अस एज अ इंटर्न, एज अ असिस्टेंट, कोचिंग द न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें टेक करो में ज्वाइन किया है। एंड दीज आर गर्ल्स जिनका प्रीवियसली कोई कोडिंग कंप्यूटर का एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। You know, there are a lot of women in our country jo teachers ban jati hain, and while I think teaching is a noble profession, it's an important profession, but ye jo hamare small private schools hote hain ilaqon mein, chote chote ilaqon mein, unme unko bahut kam salary mil rahi hoti hai. So kai hamari jo students hain wo teachers hain, kuch housewives hain, kuch fresh graduates hain, kuch ne sirf intermediate kiya hota hai, and 50% of our graduates jo hain is waqt wo jobs mein hain, या इंटर्नशिप्स कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, एंड दे विद कंपनीज लाइक यूनिलीवर, विद सस्ता टिकट, विद टेन पर्ल्स, आईबैक्स, सो जो पाकिस्तान की बिग टेक्नोलॉजी में भी जा रही हैं। एंड लास्ट ईयर हमने लियारी में प्रोग्राम शुरू किया, जो कि आपको पता है कि बहुत एक क्रिएटिव कम्युनिटी है, बट हैज़ फेस्ड मैनी चैलेंजेस, मैनी सेटबैक्स। तो वहाँ पर हमने लड़कियों को डिजिटल मार्केटिंग और डिज़ाइन सिखाना शुरू की, और वहाँ से 8 लड़कियों ने पहली दफ़ा स्टेप आउट किया अपनी कम्युनिटी से और इंटर्नशिप शुरू की, और उनसे लिटरली मुझे उनकी फैमिली से पर्सनल परमिशन लेनी पड़ी, और उनको उनको उनके साथ मैंने बातचीत की, और उन्होंने मुझे कहा उमेर
उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अभी भी याद है कि एक मदर ने मुझसे कहा कि देखिए ज़माना इतना अच्छा नहीं है, हमारी लड़कियां जाएंगी तो क्या आप इनकी जिम्मेदारी लेंगी। तो मैंने सोचा उस वक्त और मैंने उनसे पूछा कि आप किस किस्म की जिम्मेदारी की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा जी देखिए वो जाएंगी, ट्रांसपोर्ट लेंगी, ये सब कुछ होएगा। तो मैंने कहा आपको पता है मैं भी इस वक्त जो हूँ करीम पे आई हूँ लियारी में। मेरे वालदैन को जब मैंने बताया कि मैं लियारी में काम शुरू कर रही हूँ, उन्होंने कहा तुम लियारी क्यों जा रही हो, वहाँ क्यों काम शुरू कर रही हो। हम जब लियारी के लिए करीम ऑर्डर करते हैं तो कई दफ़ा वो आते नहीं हैं, फिर हम करीम में बैठ के उनको बताते हैं कि जी हमने लियारी जाना है। कई दफ़ा पिकअप करने नहीं आते लोग, उसके बावजूद मैं और मेरी टीम हम आपके पास हैं क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि आपकी कम्युनिटीज़ में पोटेंशियल है, आपकी लड़कियों में पोटेंशियल है। और फिर मुझे ये ख्याल आया कि देखें सेफ्टी सिक्योरिटी हम सबको ख्याल रखना चाहिए बट अल्टीमेटली तो ये अल्लाह के हाथ में है, यू नो कि हमने कब जाना है, क्या होना है, बेसिक प्रिकॉशंस तो हमें लेने हैं। ये मैंने उनके साथ शेयर किया एंड इट वॉज़ अमेजिंग कि उस कॉन्वर्सेशन के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है हम अपनी फैमिलीज को कन्विंस करेंगे, आप हमारी लड़कियों पे इन्वेस्ट कर रही हैं, आपका अदारा और आपके पार्टनर्स, और हम चाहेंगे हमारी लड़कियां आगे बढ़ें। सो इट्स सो टचिंग, यू नो इट्स सो टचिंग। दीज आर रिमार्केबल स्टोरीज इन कम्युनिटीज जो कि वैसे ही अब यू नो कराची में अगर कोई एनआईसी पे भी लियारी एड्रेस लिखा हो तो पुलिस वाला विल स्पेंड मोर टाइम एंड आई हैव वर्कड इन द कम्युनिटी एंड आई कैन टोटली रिलेट गेटिंग देयर वर्किंग देयर बट आई आल्सो यू नो would second what you said about the response you get from Lyari and these communities and generally women se waise bhi response bahut zyada committed milta hai aur bahut zyada uska impact bhi feel hota hai but you've done a remarkable job and I like this story ke jab unhone kaha ki aap kya zimmedari lengi to aapne kaha ki aapke liye bhi it's the same you know for your household to let you go to Lyari in the first place. Beautiful. Would you like to finish the thought? Well, I'd like to share another story. Last year, my team and I, six women, we traveled across Pakistan with the mission ke hum inspire karenge ladkiyon ko, khawateen ko, ke wo aap apne aap pe yakeen rakhein aur aap aage badhein, economy ka hissa bane, is tarah aapki family mazboot hoegi aur Pakistan mazboot hoega. To main aur meri team, humne Karachi se train li, हम लाहौर आए, फिर हमने ये शी लव्स टेक एक कॉम्पिटिशन रन किया 5 डिफरेंट सिटीज ऑफ पाकिस्तान में, लाहौर, इस्लामाबाद, फिर हम पेशावर, एबटाबाद, इन सारी और सारा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो मैं जब फैसलाबाद में थी तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं चाय के लिए अपनी टीम के साथ हम चाय के लिए दे रहे थे ट्रेन स्टेशन से, तो वो चाय वाला है, उन्होंने मुझे कहा कि आप फॉरन से हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं जी मैं तो पाकिस्तान से हूँ। फिर मैंने दिल में सोचा कि मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि आपको पता है मैं और मेरी टीम हम इसलिए ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ख्वातीन अपने आप पे यकीन रखें और आगे बढ़ें और हमारे मुल्क को उनकी ज़रूरत है। तो उस चाय वाला ने मुझे कहा कि मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि मेरी जो बेटी है उसने मैट्रिक किया है और मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ें। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी आपसे मैं आपका नंबर मांग सकता हूँ। तो आपको पता है कि हम अपने मुल्क में रैंडम मर्द को आप अपना नंबर नहीं देते एंड यू नो देयर ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंसर्न्स, बट आई फेल्ट के आई जस्ट फेल्ट अ कनेक्शन विद हिम एंड आई फेल्ट ही वाज वेरी सिंसियर। तो मैंने उनको अपना नंबर दिया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी बेटी को चाहता हूँ कि वो आपसे बात करें। और 3 दिन के बाद उनकी बेटी का मुझे कॉल आई, फिर मैसेज आया, फिर उसने हमारी सारी जर्नी फॉलो की। 2 महीने बाद मुझे ये चाय वाले साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं आपको बताना चाहता हूँ मैम कि मेरी बेटी की कॉलेज में एडमिशन हो गई। मैंने कहा ये तो मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि आपने ये स्टेप लिया और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उमैर हमारे मुल्क में सिर्फ 26% ख़वातीन हैं जो इकॉनमी का हिस्सा हैं, ये हमारे पूरे रीजन में सबसे कम है। और पाकिस्तान आज बजट निकला है, 2 दिन पे आज हमारा बजट निकला है। देखें अगर हम अपनी इकॉनमी में ख़वातीन की शमूलियत इंक्रीज करेंगे वेदर थ्रू टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप, हमारी विमेन स्ट्रांग होंगी, हमारी फैमिलीज मजबूत होंगी और हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। डेटा शोज जब एक औरत कमाती है तो वो ऑफ अ डॉलर दैट शी अर्न्स वो 90 सेंट स्पेंड करती है इन एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर। सो इट्स अ विन विन फैमिली जी। 90% goes into education, yes. Healthcare. Healthcare.
Beautiful, wonderfully put. And what was the percentage? 21% women are part of the workforce right now. 25%. This is estimated by World Bank. 25%. Thank you. This is very enriching, Sadaf, and some great stories there. How you opened up, it's fascinating that even somebody जो कि रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ है चाय दे रहा है उसको भी फिक्र है, वो भी अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहता है. बहुत सारे पैराडाइम्स हमारे भी चैलेंज होते हैं व्हेन वी से कि नहीं यहाँ पे नहीं करना चाहते. एंड आई विल कम टू दैट विद यू टुवर्ड्स द एंड. लेट्स टेक अ फ्यू कमेंट्स. फारिया, थैंक यू फॉर बीइंग एक्टिव वंस अगेन टुडे. वंडरफुल, यस, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू सदफ. लूसी सेज यू आर एन अमेजिंग पर्सन. नवीद खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस. एंड यस, we agree with what you're saying. I had a question there. Is it a good opportunity, Farhat is asking, COVID-19, because ladkiyon ke liye bahut hota tha ghar se bahar nikalna aur ab sab ghar mein baith ke kaam kar rahe hain. So can this be a revolution? This is such a good question, Farhat. This is a time for opportunity. It is a very challenging time. Aap apni health ka khayal rakhe, पब्लिक स्पेसेस में ना जाएं. लेकिन आपको मैं यही बताना चाहूँगी कि इसी पीरियड में हम सब, मेरी टीम ने घर बैठ के हमने टेक करों को फुली ऑनलाइन हम ले गए. यानी कि अब हमारे साथ लड़कियां जो हैं और हमारे 30% मेन भी हैं हमारे प्रोग्राम में, और मैं इस पर भी आऊँगी कि वो क्यों ज़रूरी है. तो इस वक्त लड़कियाँ उमेर हमारे पास मुल्तान, जामशेरो, क्वेटा, पेशावर, स्कर्दू, मुंजा, आई एम सो प्राउड ऑफ इट. इन सब इलाकों से लड़कियाँ हमारे साथ सीख रही हैं 3 कोर्सेज, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड डिज़ाइन. और हमारी कोशिश है कि हम ये मॉडल जो है अवेलेबल करें पाकिस्तान में और अदारों को और ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि इस वक्त मिलियंस ऑफ लोगों को ज़रूरत है हमारे मुल्क में स्किल्स की. अगर हम इन्वेस्ट करें एट अ मैक्रो लेवल इन स्किल्स ऑफ आर यंग पीपल, आर कंट्री विल प्रोग्रेस, बिकॉज दीज यंग पीपल विल अर्न मनी, विल कम टू पाकिस्तान. आप बाहर की मार्केट से भी टैप कर सकते हैं, लोकली टैप कर सकते हैं. एंड यस, इस माहौल में भी, इस डिफिकल्ट इकोनॉमी में टेक रिलेटेड जॉब्स ही ग्रो कर रहे हैं, तो इसमें पोटेंशियल है. बिल्कुल, सब ये देख भी रहे हैं और आई थिंक सब ये समझ भी गए हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो अब टेक इदारे नहीं, सारे इदारे टेक इदारे बन जाएंगे और टेक स्किल्स हर इदारे में हर चीज़ में चाहिए. और सदफ जो काम कर रही हैं वो पाकिस्तानी खवातीन, पाकिस्तानी लड़कियों को वो स्किल्स दे रही हैं जो कि आज की इकॉनमी के लिए चाहिए और उसमें बहुत सक्सेस भी है. इज द एंटरप्रेन्योरियल जर्नी डिफरेंट फॉर मेन एंड वुमेन? इफ सो हाउ? यू नो, दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन. सो माय पर्सनल ओपिनियन इज यस, इट इज डिफरेंट. Because I'll tell you something, women ke challenges jo hai na, wo unique hai. And in a country like Pakistan, while we have some amazing women, you know, we have women who are leading, like our social program, Dr. Sania Nishtar, you know, she's leading that. Ehsaas, we have Tania Idris leading Digital Pakistan. Lekin agar aap macro level pe dekhe na, to humare mulk mein women in leadership roles bahut mehdood hai. And this must change. बिकॉज अगर मैं एज अ यंग वुमन देखूंगी नई खवातीन को एज बिजनेस लीडर्स, एज बोर्ड मेंबर्स, एज सीईओज, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे ये एम्बिशन नहीं रखना चाहिए. तो एक तो ये बात आ गई कि लैक ऑफ रोल मॉडल्स, खवातीन के रोल मॉडल्स बहुत कम हैं. सेकेंड ये बात आ गई रिस्क टेकिंग की और यू नो एक नया पाथ लेने की. एंटरप्रेन्योरशिप मींस कि आप अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं पता सक्सीड होएगी नहीं सक्सीड होगी, फेलियर का रेट काफ़ी हाई है. सो हमें एज वुमेन जो मैसेज दिया जाता है इज़ टू प्ले इट सेफ. मैं एक एग्जांपल कई दफ़ा शेयर करती हूँ कि मैंने खुद ऑब्जर्व किया अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में, लड़का लड़की भाग रहे हैं, 4-5 साल के हैं, गिरते हैं, तो लड़के को सब कहते हैं कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, भागो भागो. लड़की को कहा जाता है तुम्हें कहा था ना इतना तेज़ ना भागो, ख्याल रखो, ठीक है. सो व्हाट इज द मैसेज, उसको सबलिमिनली ये मैसेज दिया जा रहा है, डोंट एक्सपेरिमेंट टू मच, ख्याल रखो, यू नो, प्ले इट सेफ. सो ये भी इशू आ जाता है. पेरेंट्स वांट सम प्रोटेक्शन. फिर हमारे माहौल में भी हरासमेंट के इश्यूज, वर्कफोर्स हरासमेंट, ये भी एक रियलिटी है. सो दीज आर ऑल बैरियर्स दैट कम इन. गॉट इट, ब्यूटीफुल. देयर वी विल टेक मोर क्वेश्चंस इन एज वी गो फॉरवर्ड.
आप लोग क्योंकि सवाल कर ही रहे हैं कि आप ये स्किल्स कैसे सीख सकते हैं, पहले जरा प्रोग्राम समझ लेते हैं. व्हाट इज टेक करो एग्जैक्टली? वी हैव हर्ड बिट्स फ्रॉम यू सदफ, एंड वी हैव सीन अ लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑन सोशल मीडिया. आई डिड फॉलो द रोड ट्रिप एंड द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन द ट्रिप दैट यू टॉक्ड अबाउट, इंक्लूडिंग द ट्रेन राइड्स एंड द लॉट्स ऑफ ग्रेट एक्टिविटी देयर. टेल अस व्हाट इट एग्जैक्टली इज टेक करो एंड हाउ कैन पीपल जॉइन इन. So, Tech Karo is a project of Circle. Circle is the social enterprise that I set up. It's a non-profit, and hamara goal hai women's economic participation and inclusion. And as I said, this is based on the belief that investing in women, agar hum khawateen pe invest karenge, ye sabse smartest investment hai. Because maine aapko link already bata diya ki khawateen phir wapas invest karti hain family mein, education, nutrition, healthcare. So, इस सोच से बनाया है. और हमारे तीन बकेट्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप डेवलपमेंट. तो टेक करो इज आवर फ्लैगशिप इनिशिएटिव जो कि तकरीबन 2.5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था. एंड आई वाज वेरी ऑनर्ड एंड डिलाइटेड कि एंग्रो वोपैक के सीईओ जहांगीर पराचा जो हैं उनको मैं एक कॉन्फ्रेंस में मिली. उनको मैंने ये आइडिया शेयर किया कि मैं ये करना चाहती हूँ अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज के साथ. एंड ही सेड कम टू माय ऑफिस एंड प्रेजेंट. And I did a full presentation. बहुत सारे question answers हुए, analysis हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि I'd like to support this. Engro Foundation also came through to support us. So they have been our partners from the beginning for Tech Karo, which has really helped us bring this forward. पहले हमने coding से start किया. Coding की बहुत demand है. It is learning HTML, CSS, JavaScript and React. उमेर मैं बताना चाहूँगी कि Tech Karo फर्क कैसे है. टेक करो इस तरह फर्क है, हमारा करिकुलम जो है वो हम इंडस्ट्री से एडवाइस लेके बनाते हैं. ठीक है, हम लिटरली एवरी 6 मंथ्स करिकुलम को अपडेट कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी में इतनी तब्दीलियां आ रही हैं, सो योर करिकुलम हैज टू बी अपडेटेड. अनफॉर्चुनेटली कॉलेजेस में जो पढ़ाया जा रहा है वो अब आउटडेटेड हो गया है. मैंने सीईओ से बात की इन द टेक सेक्टर एंड दे सेड टू मी कि हमारे पास जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स आते हैं हमें 3 से 5 महीने लगते हैं उनको ट्रेन करने में, और स्पेशली उनकी सॉफ्ट स्किल्स. So we computer science graduates. Wow. Computer science graduates. So हम soft skills भी साथ साथ, technical skills के साथ साथ, फिर हम soft skills सिखाते हैं, communication, problem solving, resilience, how do you stay in the game, ठीक है, failure को handle करना, building allies. Very important. I studied adaptive leadership at Harvard University, and it's a very strong, powerful framework जो Professor Ron Heifetz ने बनाया था 30 साल की research पे. So I was a student with him and then a teaching fellow, and I was thoroughly inspired by this course, and it helped me learn my own failures and my own patterns. Wow. And it was very eye-opening. So we bring that to our students. So aap soche hamare students jo hain wo is kisam ke programs ko unko exposure mil raha hai. Abhi hamare saath actually Kamran Rizvi the is Saturday ko, unhone ek mentor. Yeah, I saw that. Yeah ji. तो हम मेंटर्स को भी लेके आते हैं, टेक मेंटर्स को एंड वैसे एक्सपर्ट्स को, एचआर एक्सपर्ट्स को, एंड वी बिल्ड अ कम्युनिटी फॉर लाइफ फॉर आवर स्टूडेंट्स, बिकॉज आवर स्टूडेंट्स नीड होप एंड दे नीड टू बिलीव इन देमसेल्व्स. एंड दैट्स वन मैसेज आई एम कॉन्स्टेंटली गिविंग टू आवर स्टूडेंट्स एंड स्पेशली टू द वुमेन, बिलीव इन योर सेल्फ. True that. Believe in yourself, and there's a lot of believable stuff from your end. ब्यूटिफुल थिंकिंग देयर के एक लड़की का एम्पावर होना कैसे हाउस होल्ड में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एजुकेशन, हेल्थ केयर में, एंड हाउ सदफ इज मेकिंग इट हैपन इज बाय टीचिंग दीज गर्ल्स एंड वुमेन द स्किल्स ऑफ द डे, स्किल्स ऑफ टुडेज एज एंड एज रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉयर्स. वंडरफुल एग्जाम्पल देयर, वंडरफुल अप्रोच देयर के एम्प्लॉयर्स से ही पूछते हैं कि एग्जैक्टली क्या चाहिए. ब्यूटिफुल सदफ, वुड यू लाइक मी टू शो द वीडियो? वी हैव अ वीडियो ऑफ पीवीसी. इज इट अ गुड टाइम? Great. Okay, yeah, let me see if I can get that. आपको आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही. Let me get the voice. Yes. ये हमें बीबीसी उर्दू ने फीचर किया था, एंड इट्स अ स्टोरी ऑफ वन ऑफ आवर टेक करो ग्रेजुएट्स.
पहले मैं एक स्कूल में टीचर की जॉब कर रही थी और मुझे ट्विटर से टैक्टरों के बारे में पता चला। शुरू में मुझे थोड़ा डर लगा कि पता नहीं कैसे मैं कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती थी। हम खवातीन को कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग और डिजाइन के कोर्सेज ऑनलाइन फराहम करते हैं ताकि वो अपने घर बैठकर डिजिटल स्किल्स सीख सकें। हमने टेक्निकल स्किल्स सीखे कि किस तरह कोडिंग से जो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। नॉट कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोडिंग और डिजिटल स्किल्स की तालीम देना एक वाकई चैलेंजिंग काम है, इसलिए हमने अपने प्रोग्राम में डिफरेंट लाइफ स्किल्स कंपोनेंट को भी इंक्लूड किया, जिस तरह कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, रेजिलियंस। हर औरत और हर लड़की को टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्किल्स सीखनी चाहिए। हमारे 30% स्टूडेंट्स नौजवान मर्द हैं, ताकि मर्द और औरत एक दूसरे के साथ सीखें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। जॉब मिली टेक्टरों की हेल्प से और इस जॉब के बाद जो है मैं काफी खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फील करती हूँ कि उसका मुझ में काफी कॉन्फिडेंस आया है कि मुझे जो है अपने खर्चों के लिए किसी पे डिपेंड होना नहीं पड़ता। Beautiful, Sadar. Tell us a little bit about it and we're going to include somebody then who is a tech karo graduate as well. So Sadaf, aap thoda sa batayega because you know her better. Almia hume join karengi aur main bhi aapko thoda sa bataunga. Ji, wonderful. So hamare sare audience ke liye we have a surprise guest, a young woman that I think all of us in Pakistan can feel very proud of. I'd like to introduce Almia, jisne tech karo ko join kiya. She was a teacher before she joined us. And now she is working from home under the pandemic and she is supporting her family financially. Thank you very much. So, aap sab mujhe join kare. And Mayor, it is really from home under the pandemic, promise of our country. Thank you. Thank you, Sada. Thank you, Almia, for joining us. Aap thodi si awaaz kam kar dein taaki echo kam kare. Ab sahi hai? बिल्कुल सही है, कैसी है आप? मैं ठीक हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच, इट इज आवर प्लेजर टू हैव यू। आर्मिया, जरा बताएं, मैंने सुना कि आप पहले टीचर थी, फिर आपने कुछ तबाही ट्रेनिंग ली और अब आप बहुत इंडिपेंडेंट फील करती है, सो थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताया हमें। मैं जो है जैसे कि मैम सदफ ने बताया कि बिफोर ज्वाइनिंग टेक करो आई वाज अ टीचर इन अ स्कूल, आई वाज अ प्राइमरी टीचर। फिर देन मुझे टेक करो के बारे में पता चला, एज यू नो देयर सोशल कैंपेन इज रियली स्ट्रॉन्ग, तो ट्विटर के थ्रू मुझे जो है पता चला कि देयर इज अ प्रोग्राम फॉर वुमेन जो टेक स्किल सिखा रहा है। एंड वन थिंग जो इसको डिफ्रेंशिएट करती थी इस प्रोग्राम को बाकी प्रोग्राम से वो था फोकस ऑन वुमेन, एंड आई रियली लाइक दैट अलॉट बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आप देखें उनकी इमेजेस 80% यू विल सी द बॉयज आर देयर एंड मैन आर देयर, और वो चीज जो थी थोड़ा मुझे फेयर पैदा होता था कि इतने सारे जो है मैन में मैं ये कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ। आई डिडंट फील कम्फर्टेबल, सो वेन आई फर्स्ट सॉ टेक करो एंड हाउ देयर फर्स्ट बैच वॉज कंडक्टेड विद मेजोरिटी ऑफ वुमेन, so I decided to join the program and I'm really happy that I took that decision of joining Techkaro. सही है, वैसे इतने बुरे भी नहीं होते, boys मर्द इतना भी नहीं डराते, आपको ज़्यादा डर रही है। वो बात नहीं है, it's just I feel comfortable among you know women, तो एक pair था शुरू से। So let me tell you a secret. I also feel very comfortable among boys. मैं एक ऐड करना चाहूंगी पॉइंट जो अर्मिया ने अभी कहा है। मैंने ना फोकस की ग्रुप किया हमारे यंग मेन ग्रेजुएट्स के साथ, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा एक क्लास में जिसमें मेजॉरिटी वुमेन थी और आप भी थे शामिल, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो दिस यंग मैन जुनेद, वो अब 10 पर्ल्स में काम कर रहा है,
तो उसने मुझे कहा, मैडम मैंने जब पहले दिन आया ना मैं क्लास में, तो मैंने इतनी लड़कियां देखी, तो मैंने कहा ये यहाँ क्या कर रही हैं। मैंने सोचा उससे बड़े मजे से खुल के बात की, ये यहाँ क्या कर रही है। उसने कहा मैंने तो कभी लड़कियों को जो है इस तरह से कंप्यूटर करते हुए नहीं देखा था और ना ही जॉब करते हुए इस फील्ड में देखा था। तो उसने कहा लेकिन मुझे फिर एहसास हुआ और आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने देखा है कि हमारी क्लास में लड़कियां जो हैं ऐसी हैं जो लड़कों से ज्यादा ब्राइट हैं। सो यू नो वी आर बिल्डिंग मेन एज एलाइज ऑल्सो। हम विमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, हम जो है बात करते हैं अबाउट मेन एज पार्टनर्स, और हम यही बात करते हैं कि एक सोसाइटी, एक फैमिली, एक मुल्क तभी स्ट्रांग होता है अगर मर्द औरत दोनों शाना बशाना आगे बढ़ें। और यही हमारे फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना उनका विजन था, तो उसी विजन को हम आगे लेके जा रहे हैं। True that. Thank you for highlighting that. And of course, I can relate with that. कि अगर you know men thrown into so many women, तो ये सारी यहाँ पे क्या कर रही हैं पहला निकलता है, क्योंकि हमने कम देखा है, हमने भी कम देखा है। सिर्फ लड़कियों ने नहीं, इस मुल्क के लड़कों ने भी बहुत कम देखा है, इस पूरे मुल्क ने कम देखा है, और इसीलिए जो देखा है उसी पे हम ज्यादा बात करते हैं। अर्मिया थोड़ा सा बताएं कि आपने क्या क्या सीखा इस प्रोग्राम के अंदर, व्हाट स्किल्स डिड यू लर्न? इस प्रोग्राम के जो मेन स्किल्स थी वो थी कि हम लोग को वेबसाइट्स बनाना सिखाया जाए। तो एक किसी भी वेबसाइट बनाने के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं HTML, CSS और टेक्निकल कंपोनेंट्स HTML, CSS, JavaScript, हमें ये सिखाया गया। फिर एक है React जो कि फ्रेमवर्क है JavaScript का, और वो बहुत ज़्यादा इन है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो हमें ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्किल सिखाई गई टेक करो प्रोग्राम में, और इसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स which were very necessary, कोई भी जो है जॉब मार्केट को ज्वाइन करने के लिए प्रेजेंटेशन स्किल्स, टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, एवरीथिंग वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। एंड freelancing वॉज ऑल्सो टॉट टू अस, freelancing के भी सेशंस हुए थे, और विच आई होप कि वो अब इस पेंडेमिक में काफ़ी यूजफुल आ रहे हैं हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज दे आर यूजिंग freelancing टू अर्न मनी। इट्स ब्यूटिफुल। एक और सवाल पूछूंगा आपसे और फिर ऑडियंस से सवाल पूछना चाहती है, आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स में, आप हमें लाइव ज्वाइन भी कर सकते हैं। द लिंक इज हियर एंड दिस इज आल्सो इन द कमेंट्स समवेयर इफ यू स्क्रॉल अप, लेट मी जस्ट पेस्ट इट अगेन एज वेल। सो यस, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, ज्वाइन अस लाइव नाउ, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब जब आपने वो स्किल सीख ली, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है जब आप मार्केट में जाती हैं, और आपने औरों को भी ऑफकोर्स अपने कॉलीग्स को भी देखा है सीखते हुए, सो थोड़ा सा ये बताएं कि ये प्रोग्राम जब आप सीख जाती हैं स्किल्स, आपको प्रोग्रामिंग आ जाती है वेबसाइट, तो फिर क्या अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुल जाती हैं? मैं एक रिसेंटली शेयर करूंगी जो मैंने हमारे साथ एक स्टूडेंट थी, उन्होंने अपने लिंक्डइन पे शेयर किया हुआ था कि किस तरह उनको जो है टेक करो से इतना कॉन्फिडेंस मिला कि शी रिसेंटली जॉइंड अ सेमिनार and she was a part of the seminar where she conducted some session. So I was like ke sirf mujhe hi nahi baki bahut sare students mein jo hai is cheez se confidence aaya, because hamare jo sessions hote the ma'am Sadaf was always there, she used to come in and give us advice for the session, and jo hai confidence second ye ki hame self learning sikhaye gaye ki kis tarah hum khud skills seekh sakte hain. meri jo current job hai usme mera design work ki taraf focus hai, so I am learning the software and design skill on my own. तो ये एक जो confidence था ना कि आप खुद से भी सीख सकते हैं, वो जो है हमारी tech field में काफी useful होता है, because it's always a process of self learning. हर वक्त new जो है skill, कोई new technology आ रही होती है, so we have to be, as people in tech have to be confident in their selves, because they have to self learn. That's true. आप तो बोलती भी वैसे बहुत अच्छा है, आप ट्रेनिंग में भी आ सकती है मेरा ख्याल है, आप थोड़ी सी और मैं यू वंडरफुल आर्मिया थोड़ा सा आई थिंक अबाउट दैट। इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि मैं हमारी कोशिश यही है कि टेक करो स्टूडेंट्स में एक स्पार्क ऑन कर दिया जाए, यू नो, क्योंकि आजकल के दौर में जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, अडैप्टेबिलिटी, क्यूरोसिटी, सीखने की काविश, ये बहुत जरूरी है। तो आई एम हैप्पी टू सी कि अर्मिया अभी भी न्यू न्यू स्किल्स सीख रही हैं, और यही इम्पोर्टेंट चीज कि आप अपने आप को अपडेट करते रहें। या एंड लर्निंग टू लर्न इटसेल्फ इज, यू नो, जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी में, बातें बड़ी तुमने वजन वाली की हैं,
छोटी हो लेकिन बहुत भारी भारी बातें लॉट ऑफ पीपल आर लिसनिंग, तो मुझे आप हम सबको क्या कहना चाहेंगे? आदमी आपको ये प्रोग्राम मिल गया, टेक करो, आपने स्किल्स जैसे ले ली, लेकिन ऐसे प्रोग्राम कम है हमारे इर्द गिर्द और लोगों की थिंकिंग पे भी काम करने की जरूरत है. सो बीइंग अ यंग पावर गर्ल, आपका क्या हमारे लिए एडवाइस है? जो वुमेन के लिए जो वर्क होता है ना, मैंने उसमें देखा है कि उसमें रेजिस्टेंस है ना, वो काम नहीं करती है. क्योंकि अगर हम जैसा कि मैम सदा भी बता रही थी कि फेयर होते हैं, बहुत सारे लोगों के फेयर है, वो दुश्मन नहीं है, दे जस्ट हैव देयर फेयर और वो सोसाइटी से आए, वी कांट ब्लेम देम. तो बात ये है कि वी नीड एलाइज, हम जो है किसी के खिलाफ नहीं जा सकते. हम एक औरत जो हम शुरू से ही फोर वॉल्स में रही है, उसको अचानक से उठा के वी कांट टेक हर टू द public sector. So we need to support them and we need to make things more accessible to women. Bajaye iske ki hum unko unke jo hai unko uncomfortable kare, I think we need to introduce more programs jo unko cater karte ho, unko jo hai unki needs ko pura kare. So the people on the upper level need to do something about it and you know introduce more programs for the undeserved communities. That's what I would thank say. You. Thank you very much. Sadaf, would you like Armia to answer anything? I'm done with my questions. She's wonderful and mashallah, the spark is there and the skill. So I can really see what you were talking about. Well done. Okay. I think Armia, I think aapne bada acha pegam diya hai to policy makers and people in positions of power. Ke we need to do more for young people and especially for women. And aapne touch kiya upon ke you know their women kyunki unka exposure kam hai wo jin area se aa rahi hain, jis tarah hamari maine aapko jis tarah bataya na Umair Baldia, Kurangi, Liari, is tarah ke mukhtalif ilaqon se khawateen aati hain, several have not left their communities before. So I would like Armia for you to give a message to young women of Pakistan. Aapka kya paigham hoga for young women of Pakistan? मेरा पैगाम ये होगा कि यू नीड टू बी ब्रेव. जो है लाइक टेकरो से पहले जो है मैंने ट्रैवल नहीं किया था इतना ज़्यादा. टेकरो ज्वाइन किया तो इट वाज लाइक 11 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माय होम, और क्लासेस अटेंड करते हुए शाम हो जाती थी. सो फिर उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ता है, और सेकेंडली कि जो आपके आस पास जो लोग हैं ना, योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, उनको कॉन्फिडेंस मिले. Tell them to support you. Akele karna is difficult for anyone. Because when you are starting a new journey, the first step alone could be the journey could be lonely, and it. Aap jo hai, phir uske baad give up karne ke chances zyada hote when you are alone. So I would say ke jo hai confidence mile apne sabko. I am sure ke aapke around agar 10 log hai, to unme se koi do aise honge jo aapke supporters honge, aapke allies honge. To apne allies ko le jo aapko support kare, motivate kare. और जो है एक नेटवर्क जो है ना हमें बनाने की जरूरत है ताकि वी कैन लिफ्ट वुमेन. थैंक यू, वंडरफुल, बी ब्रेव, फाइंड द सपोर्ट अराउंड यू. और सदफ की मुस्कुराहट जो है ना वो बहुत बहुत अच्छी मुस्कुराहट है, एंड राइटली सो. लवली रिस्पांसेस. बोले, खत्म करें बात. अर्मिया बोले. हाँ, मैं ये कह रही थी कि मतलब जो या कि जो सीखा है ना उसको अपने तक नहीं रखे, लाइक पास इट ऑन. अगर आपने सीखा है, पास इट ऑन टू समवन, जो आपका कॉन्फिडेंस है वो किसी और को दें. शेयर योर स्किल्स. थैंक यू वेरी मच अर्मिया, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी. बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत इलोक्वेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट है, और बहुत बात भी दम वाली करती हैं. थैंक यू. जी बिल्कुल, मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट आपकी इजाजत. Yeah, sure. अब ले ली मैंने. ओके, यस, लेट मी गेट दैट. वंडरफुल, थैंक यू अर्मिया, टेक केयर. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग. कीप इंस्पायरिंग अस एंड इंस्पायरिंग ऑल द यंग वुमेन ऑफ पाकिस्तान एंड द यूथ. Thank you so much. Wonderful, Sadaf. What confidence, mashallah. You're dealing with real change here. I would say that if this goes out, if this becomes mass like you're planning, and we have many, many girls like her with this confidence and skilled, it will be tremendous. Would you like to add anything to her? You know, you've seen her grow. You know, this is such a moment of emotion for me, actually,
because to see a young woman like Armia and the way she spoke to us in front of a screen so confidently and using, you know, ideas which you can see that she has internalized. It's not bookish knowledge, it is something that she has practiced and internalized. And talking, like, I think my professor Ron Heifetz would be proud. She's talking about building allies, you know, she's talking about giving back, contributing. I mean, ye sab cheeze hai jo hum leadership mein baat karte hai, right? About building capacity and about sharing power and growing and giving back. So I couldn't agree more with you, Umair, ke Pakistan mein there are millions of young women like Armia. We need to reach out to them. And that is why our first question, hum kaise ek aisa maashra banaye, ek aisa container banaye, ek aisi safe spaces banaye, jahan pe humare young log grow kar sake, experiment kar sake, fail kar sake, aur phir dobara se himmat karke uthe, aur unke paas support ho, aur unke paas encouragement ho, mentors ho. ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे यंग लोगों के पास डायरेक्शन नहीं है. लेकिन हम देख सकते हैं कि 8 महीने के प्रोग्राम ने क्या किया है. सो द पोटेंशियल इज देयर, इट्स नॉट ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स वी रिक्वायर, वी कैन डू इट. वी कैन एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग इट एंड सो आर सम अदर्स. मेनी हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग इन दिस कंट्री टू दिस कॉज ऑफ वुमेन एंपावरमेंट, एंड इफ यू हैव कम दिस फार इट इज बिकॉज ऑफ देम, इट इज बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रगल, वेदर इट वाज अप going up the advocacy route or going down to the grassroots and making this action happen. ये models बनते हैं, जब ये चल जाते हैं, समझ आ जाते हैं, फिर बहुत सारे लोग कूद पड़ते हैं और फिर सबके नामों से. लेकिन I must admire the pioneers in the sector who test this out, who make things happen, and Sadaf is definitely one of them. Gulshan, आपने हमें join किया था, Ehsan आपने भी हमें join किया था, मैंने आपको add किया था कि हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उस दरमियान आप चले गए. सो इफ यू वांट टू जॉइन अस अगेन, प्लीज प्लीज फील फ्री टू. वी हैव 13 मिनट्स टू गो एंड यू कैन जॉइन अस लाइव, आस्क क्वेश्चंस टू सदफ डायरेक्टली. सदफ, अ लॉट ऑफ देयर फाइव कमेंट्स व्हिच से हाउ डू वी जॉइन टेक करो, एंड देयर समबडी हु इज अ हाउसवाइफ, समबडी हु इज टू बॉयज हु सेइंग दे वांट टू लर्न दिस, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस. सो व्हाट इज द वे ऑफ गेटिंग इन? सो उमेर, इसके लिए और मैं सब ऑडियंस जो सुन रहे हैं उनको यही कहूंगी कि आप प्लीज हमारे फेसबुक पेज पे आएं, सर्कल विमेन के नाम से, सर्कल विमेन. इसी तरह हमारी वेबसाइट है circlewomen.org. फेसबुक पे हमारा अभी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ओपन है, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं. आगे और कोर्सेज भी आएंगे. कीप चेकिंग आउट आवर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा. ट्विटर हैंडल इज @circle2020. My personal Twitter is @SadafAbid. My Facebook is SadafAbid. I post there also. And this program is for the women of Pakistan who want to progress, jo apne, jo financially empowered hona chahti hai. Ye unhi ke liye hai. So I would encourage you ke zarur apply kare. Thank you. You have the details, circlewomen.org. Circle Women, aap look up kar sakte hai Facebook pe bhi. And Sadaf ne apna Twitter aur Facebook bataya, SadafAbid. Ehsan, आप ज्वाइन किए हुए हैं, शर्मा रहे हैं, पहले भी आप भाग गए, क्या बात है, आज बड़े अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं पाकिस्तानी बॉयज, गो ऑन. और इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं. थोड़ी वजाहत. I want to. तो सबसे पहले तो उमेर, I'm really very glad to catch up with you. I've been following you for maybe 10 years. Can you hear me? Is there too much echo or something? थोड़ी सी आवाज अगर आप कम कर. मैं करता हूँ कुछ. तो this is my opportunity, Umair, to attack you directly. अब आपकी आवाज चली गई. Umair, you're muted. I was saying I wouldn't follow myself for 10 years, but it's okay. Go on. Because you know, around 11 years back, I was working with OAS. तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड फॉलोइंग यू एंड आई स्टार्टेड रियलाइजिंग माशाल्लाह यू आर वेरी कैरिस्मेटिक यंग गाय, वेरी शार्प. तो डेफिनेटली, लेकिन यू नेवर रिप्लाई टू माय कमेंट्स और मैसेजेस. ये मेरी कंप्लेंट थी आपसे. आई एम सो सॉरी, आई हियर दिस एवरी डे एंड आई एम अ सिनर व्हेन इट कम्स टू इट्स इट्स फाइन. आई जस्ट सदफ, एनीथिंग यू कैन कैच अप विद मी लेटर इफ यू हैव अ क्वेश्चन फॉर सदफ. नो, आई डू हैव. अभी आज तो मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूं. तो सदफ से तो मेरा यही क्वेश्चन था कि माशाल्लाह हर वेंचर इज फैंटास्टिक एंड आई डोंट नो, आई हियर अ लॉट ऑफ एको, आई डोंट नो व्हाई.
और माशाल्लाह क्रेडेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं जो मैं रीड कर रहा था, फैंटास्टिक क्रेडेंशियल्स. बट अभी पैंडेमिक ही जो है, मैं खुद मिडल ईस्ट में हूँ अभी भी, यहाँ पे अभी आपसे बात कर रहा हूँ रियाद से, लेकिन आई ऑपरेट इन मिडल ईस्ट. तो मैं तो फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, पैकेज फूड में, तो एसेंशियल्स में वो आ जाता है, तो बिजनेस को एज सच कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह. हमारा बिजनेस जो है वो ऑलमोस्ट 99% ग्रो किया, क्योंकि ग्रोसरी इस रीजन में पैंडेमिक में बहुत ग्रो की है. लेकिन आपका जो वेंचर है, आई थिंक इट कैन एक्सपैंड टू मेल्स एज वेल. वो जो मैं आपकी सारी बातें सुन रहा था, दे वर फैंटास्टिक, आई वुड वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म. बट वेन इट बिकम्स सो मच ऑफ वेमेन एम्पावरमेंट, एक ही मैसेज हैमर हुआ जा रहा था, तो आई फेल्ट आइसोलेटेड एंड आई सेड मे बी आई एम इन द रॉन्ग प्लेस, आई शुड बी लिसनिंग टू समथिंग एल्स. सो दैट्स माय ओनली थॉट के आप जो है वो अपना सर्कल एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का जो हमारा यूथ है, आई थिंक दे अंडरस्टैंड कि वेमेन एम्पावरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव टू ब्रिंग, आई हैव थ्री सिस्टर्स and mashallah all of them, one of is a gynecologist, another one is doing something else in showbiz, another one is doing something else in a management consultancy in Dubai. So I do realize that women need to be empowered, they need to be on their own, they need to be independent financially and in every other respect, they have an opportunity to grow. However, aapka jo platform hai, I think it can include men as well. That's my okay. only comment, and I would Thank like you. To leave after this. Thank you, Ehsan, for voicing this in your simplicity and honesty. But I'd like Sadaf to comment on this, that, you know, if it's women-driven initiative, it does, you know, sort of tend to exclude men even from supporting or signing up and other things that you picked up. Please comment on it. Thank you, Ehsan, for joining. मैंने जिस तरह पहले भी mention किया और ये BBC की video में भी है कि 35% of हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मेन हैं, 35%. एंड वी डू एंगेज विद मेन ऑल अलोंग, वी एंगेज विद फादर्स, विद सिबलिंग्स, बिकॉज इन आवर सोसाइटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी वर्क टुगेदर. सो वी डू दैट, बट वी हैव टू रिकॉग्नाइज, एंड एज समवन इज जस्ट पॉइंटिंग आउट, फ्रिया भी कह रही है, मेन ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, वी हैव वेरी फ्यू प्लेटफॉर्म्स फॉर वुमेन, लेट्स रिकॉग्नाइज दैट. इस वक्त टेक सेक्टर में सिर्फ 15% फीमेल वर्कफोर्स है, पाकिस्तान में सिर्फ 25% वुमेन इकोनॉमी का हिस्सा हैं, 2% वुमेन लीडरशिप रोल्स में हैं. सो देर इज एक्चुअली अ स्टेट ऑफ क्राइसिस इन आर कंट्री इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजिंग वुमेन्स टैलेंट एंड रिसोर्सेज. हमारे मुल्क में खवातीन के पास सेफ अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो अपने मेल मेंबर्स पे डिपेंड करती हैं, जब तक वो नहीं होते वो निकल नहीं सकती. इवन मैंने जब पहला जॉब शुरू किया, मेरी अम्मी मुझे पिक एंड ड्रॉप करती थी, फिर मैंने रिक्शा लिया, रिक्शे ने 40% सैलरी ले ली, फिर मैं वैगन पे गई, वैगन पे मेरा ट्रैवल टाइम डबल हो गया, फिर मैंने ये लाहौर में, मैं कलमा चौक में सिस्टम्स में काम करती थी, वापस मैं फिर 15-20 मिनट कैवलरी ग्राउंड के लिए वॉक करके जाती थी, एंड आई एक्सपीरियंस्ड स्ट्रीट हरासमेंट. नाउ इट इज सैड दैट वुमेन कंटिन्यू टू फेस हरासमेंट ऑन द स्ट्रीट्स. सो आई थिंक हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि खवातीन को काफ़ी मुश्किल है घर से सिर्फ स्टेप आउट करने में, इसलिए हमें एक इकोसिस्टम बनाना चाहिए जिसमें खवातीन को मौके मिले. लेकिन ये हरगिज़ पॉइंट नहीं है कि मर्दों को भी ना मिले, मर्द औरत दोनों को आगे बढ़ना है ताकि हमारा मुल्क स्ट्रॉन्ग होए. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली पुट देयर. इट्स नॉट अबाउट ईदर और, बट इट्स अबाउट फिलिंग इन द गैप, अ बिग गैप, अ गैप व्हिच हैज बीन, जो कि हमने भी बनाया है, हमने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है, हमारी सोच ने भी और तारीख ने एग्जिस्ट किया है, और उसको फिल इन करने के लिए वी नीड वुमेन स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स. थैंक यू सदर फॉर हाइलाइटिंग दैट. लेट्स, आई हैव 4 क्वेश्चंस लेफ्ट एंड द टाइम इज रनिंग आउट. इकोसिस्टम चैलेंजेस क्या हैं खवातीन को इनेबल करने में? देखें, एक तो मैंने आपको ट्रांसपोर्ट की बात कर दी, दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी, देखें जब बच्चे होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी प्राइमरीली एक औरत पे आती है, फैमिली रेजिंग सब कुछ. तो हमारे मुल्क में डे केयर सेंटर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, जैसे एक फैमिली सिस्टम है, लेकिन अब जॉब्स की वजह से कई दफ़ा वुमेन आर इन सिटीज़ जहाँ पे उनके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो इससे उनकी इकॉनमी में, मईशियत में शमूलियत जो है वो कंस्ट्रेन हो जाती है. सो कंपनीज़ को चाहिए कि वो यू नो चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ देखें, शेयर्ड फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, 5-6 कंपनीज इकट्ठे कर लें. मटर्निटी लीव 3 महीने की है, क्या हम इसको और ज़्यादा कर सकते हैं? पटर्निटी लीव ताकि मर्द हजरात जो हैं वो भी फैमिली को सपोर्ट दे सकें,
इसको बढ़ाया जा सकता है. सो इस तरह के फ्लेक्सिबल वर्किंग, उमेर आजकल के दौर में हम सब घर से काम कर रहे हैं और हमने देखा है कि ये काम किया जा सकता है, लेकिन एक डिजिटल डिवाइड है. इस वक्त हमारे मुल्क में ख्वातीन की एक्सेस टू टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली वेरी लिमिटेड. आपको पता है कि मोबाइल फोन जो है, एक औरत के चांसेस ऑफ हैविंग अ मोबाइल फोन आर मच लेस देन दैट ऑफ अ मैन. सो अगर मेरे पास पेंडेमिक में एक मोबाइल फोन नहीं है जो कि कनेक्टेड है, आई एम रियली कट ऑफ एज अ वुमन. स्किल्स, लर्निंग, कनेक्टिविटी, तो इस पे भी हमें सोचना पड़ेगा कि हाउ कैन वी मेक श्योर कि टेक्नोलॉजी की एक्सेस, जो मेरे ख्याल में अब आई सी इट एज अ बेसिक ह्यूमन राइट, वुमेन एंड गर्ल्स को डिजिटल स्किल्स, मोबाइल की एक्सेस मिलनी चाहिए. सो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको हमें देखना है. True that. क्या कल्चरल बैरियर्स, आपने कुछ हाईलाइट भी किया, कुछ हमारी अपब्रिंगिंग में है, कोई और चीजें कल्चरल, कुछ कहते हैं लड़कियों की अपनी कंडीशनिंग है, you know, women when it comes to the professional arenas, part of it is their responsibility and how they have accepted a way of being. So what would you say as a woman? Umair, isme main kahungi ki ek to uniform phenomena hai. This is not a Pakistani phenomena, but women tend to underestimate themselves. I don't know hamare kitne audience ne ye experience kiya hai, but as women we doubt ourselves a lot. And I'll tell you something, I'll be very honest with our audience over here. I doubt myself a lot of time. Aap mujhe shayad dekh rahe honge aur keh rahe honge ki ji wo Sadaf to comes across as a very confident woman. But I have had serious moments of doubting myself. Ye ho sakega, ye main kar sakungi, pata nahi, I don't know if I should say yes. You know, and it's very interesting because you will find that when men will not underestimate themselves. Research shows, and this has been documented in Lean In book, कि एक प्रमोशन आती है तो एक आदमी अगर उस क्राइटेरिया को देखेगा, ही विल से आई एम गुड एट 2 out of 5, आई कैन गो फॉर इट, आई लर्न ऑन द जॉब. वुमन लुक्स एट द सेम क्राइटेरिया और कहती है आई एम गुड एट ओनली 2, ओनली 3, आई हैव टू वर्क हार्डर, गेट बेटर, प्रैक्टिस मोर, फिर मैं अप्लाई करूँगी. तो ये चीज़ें हैं जो हमारे अंदर हैं. इसीलिए मैं जो लीडरशिप प्रोग्राम्स रन करती हूँ ख़वातीन के साथ अंडर द एलिवेट फ्रेमवर्क, जिसमें हम सीईओज़ को भी मोबिलाइज करते हैं कि आप जेंडर इक्वालिटी डाइवर्सिटी को कमिट करें, और हमारे पार्टनर्स हैं फ्रॉम यूनिलीवर टू जैज टू नेशनल फूड, स्टैंडर्ड चार्टर, ये हमारे पार्टनर्स हैं, चैम्पियंस हैं, ताकि इनके थ्रू हम वाइडर पाकिस्तान को कैटलाइज कर सकें कि आपको जो है वुमेन में इन्वेस्ट करना चाहिए, पॉलिसीज बेहतर करना चाहिए. सो वी नीड प्रोग्राम्स that enable women to believe in themselves, to find those mentors and role models, and also learn tools, you know, learn tools. But literally, मैं तो ये पैगाम देती हूँ कि आप सुबह उठे ना और जब आप ब्रश कर रही हैं अपना टीथ, so tell yourself, I believe in myself. I believe in myself. We need to remind ourselves. And when you believe in yourself, you give hope to Pakistan. You know, when a woman believes in herself, and she goes out there aur wo apne talent ko istemal karti hai to wo apne khandan ko mazboot karti hai aur apne mulk ko mazboot karti hai. Is this belief of women is it less digestive to men? Kya ji, is this belief growing in women, the courage, the bravery, the skills, the empowerment, is it less digestive for men to absorb this success when it comes from women? Not necessarily. I'll tell you about my father. My father was one of my biggest supporters, and my father left India as a young boy and came to Pakistan, and he lost his father and mother. Mother had passed away earlier, partition ke waqt pe wo aaye, his father stayed back, he never saw him again. He grew up with his khala and his family, and mere abbu journalist banna chahte the lekin paise nahi the, FC college se drop out hue, army join ki, ब्रिगेडियर होके रिटायर हुए, बीकन हाउस में 2 साल एज अ प्रिंसिपल रहे, और देन ही स्टार्टेड वर्किंग विद द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन लाहौर, एंड 25 साल उन्होंने वहाँ गुजारे और पीनल रिफॉर्म्स पे काम किए, प्रिजनर्स की रिलीज और पाकिस्तान इंडिया पीस इनिशिएटिव पे काम किया. तो मैं पर्सनली मेरे अपने वालिद की वैल्यूज से, उनकी लाइफ से बहुत इंस्पायर्ड रही हूँ, एंड आई थिंक ही इज़ बीन एन अमेजिंग सपोर्टर इन माई लाइफ. Umair, I lost him in December 2018, and it was a big experience for me, a big life changing experience. You know, aap
know of other people who have lost parents, but I think jab aap khud experience karte hai na, to aapko realize hota hai ki what a fundamental experience it is. But now I'm gaining strength, and I think fathers are big supporters of their daughters, and this is what gives us confidence to go out in the world. And my father Umair, जब मैंने पहली दफा काम शुरू किया ना, मैं शाहिद कारदार साहब के साथ काम करती थी, जो इकोनॉमिस्ट हैं, स्टेट बैंक गवर्नर भी रह चुके हैं, एंड आई वेंट टू बलोचिस्तान, आई वेंट टू फ्रंटियर, और मेरे वालिद ने कभी मुझे नहीं कहा तुम वहाँ क्यों जा रही हो, ये क्या होगा, वो क्या होएगा, एंड इट वॉज इनक्रेडिबल. मेरे ख्याल में उन्होंने मुझे इतनी करेज दी कि ये करना चाहिए और मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए और कौम के लिए कुछ करना चाहिए, एंड दैट यू कैन डू समथिंग. एंड आई नेवर फेल्ट आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, till I got to the workforce and I noticed, oh, yahan to khawateen zyada nazar nahi aa rahi hai. So, wow. You know, that's true. Wonderful, beautiful stories there, Sadaf. Thank you for blending in your personal stories and so powerfully in the questions. My last is, in fact, I have two. One is, what's your advice to the females watching right now, and also to males? Because they, you know, they have a great influence in their own families, very much in the decision making. And with this also blend in, what's your wish for the women of Pakistan? Right. So I'll start with the men. I think men are very important. I think men's role in the lives of the women in their family, chahe wo aapki walda hain, wife hain, siblings hain, फैमिली में लोग हैं, आपका रोल बहुत अहम है. और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो अभी मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर की अपने वालिद की, तो मैंने ये एक क्लोज गैदरिंग में, एक वर्कशॉप में शेयर की. तो वहाँ पे एक जो साहब थे, जिनको मैं तब नहीं जानती थी, पहला दिन था हमारा, तो उन्होंने कहा कि यू नो, आपने जब अपने वालिद के बारे में बात की, तो मुझे अब एहसास हुआ है कि जब मेरी बेटी मेरी तरफ देखती है और जिस तरह वो मुझे देखती है, कि हाउ मच शी फील्स फॉर मी, ये मुझे पहले इतना एहसास नहीं था. तो मैं पैगाम दूंगी मर्द हजरात को कि ऑलवेज रिमेंबर दिस, दैट द वुमेन इन योर फैमिली, स्पेशली जो आपकी बेटियां हैं, दे रियली लुक अप टू यू, यू आर अ रोल मॉडल फॉर देम. तो आप उनके लिए उनको हिम्मत दें, उनको उनमें यकीन रखें और उनको ब्लॉसम और ग्रो करने में हेल्प करें, क्योंकि वो आगे बढ़ेंगी तो हमारी फैमिलीज मजबूत होंगी. मैं फिर वही कहूँगी, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा. हम सब चाहते हैं हमारा मुल्क आगे बढ़े. हम बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, और एक पिलर जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उजागर कर सकते हैं, वो हमारे मुल्क की ख्वातीन हैं. लेकिन उसको करने के लिए हमारे मर्द हजरात का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. सो मैं इसको एम्फसाइज करूँगी, एंड आई होप मैन विल जॉइन अस एज पार्टनर्स, एज एलाइज इन दिस जर्नी. वी आर इन इट टुगेदर. दिस इज़ नॉट जस्ट अ वुमेन्स इशू. This is a humanities issue, right? Equality for everyone is important. And मैं women को यही कहूँगी कि believe in yourself, believe in yourself. You are remarkable. If you choose to be a housewife, it's fine. If you choose to do a career, it's fine. It's your choice. आपने वो choose करना है कि आपने क्या करना है. और you know, life में take a marathon view. You know, don't think of 2 years, 3 years. Take a 10 saal, 15 saal ka view. You can take breaks for having children. You can take breaks in time jab aapko zarurat hai. Yeah, you just need to slow down, you know. But I do feel ke Allah ne jo humein kaabliyat, talents diye hain, it is important ke hum aur logon tak leke jayein. And they benefit more people. So that is why I feel ke humare upar ek zimmedari. And especially, I guess, जिनको एक अच्छी तालीम मिलती है, जिस तरह आई वॉज वेरी प्रिविलेज्ड कि मैं माउंट होलियोक गई, विच इज़ अ वुमेन्स कॉलेज, जो स्कॉलरशिप मिली मुझे, एक साल लगा था मैं अपने अबू को कन्विंस करने में. यही पॉइंट में था जिस पे मेरे अबू ने कहा, यू आर टू यंग, 18 साल, अमरीका बहुत डिफरेंट है, मास्टर्स के लिए चली जाना, अभी ना जाना. लेकिन आई कंटिन्यूड एट इट, एंड इन हाइंडसाइट आई कैन से कि आई मस्ट हैव बीन डिटरमिन्ड कि आई डिडंट गिव अप. और फिर मेरे अबू ने कहा कि अच्छा, अगर स्कॉलरशिप मिल गई तो फिर चली जाना. और मेरी एक फैमिली में है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया. तो मेरे ख्याल में स्पेशली जिनको एजुकेशन मिलती है, जिनको तालीम मिलती है, हम सब के ऊपर और भी जिम्मेदारी है. हमारे मुल्क में 20 मिलियन लड़कियां स्कूल नहीं जाती. ये हमारा मुल्क है,
20 मिलियन लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं 2020 में. तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है और हम सिर्फ हुकूमत पे नहीं वेट कर सकते. यस, हमें हुकूमत को भी मोबिलाइज करना है. मेरा पैगाम हुकूमत के लिए भी होगा कि टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, वीमेन एंड गर्ल्स में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान के यूथ में इन्वेस्ट करें, स्किल्स देके आए उनको. यू नो, मेरे ख्याल में तो मैं हमें ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जो है ना, यस, अब तो अमेरिका भी क्वेश्चन कर रहा है, प्राइवेट कॉलेजेस इतने पैसे ले रहे हैं. सो वी शुड बी लुकिंग एट वोकेशंस इन स्किल्स. I'm so happy I didn't do my MBA. Yeah. I was also considering to do my MBA. I didn't do it also. You know, in Pakistan, it's the same. If you do BBA, in MBA, you do the same courses. A different degree for the same courses. But you're so right. Skills is the name of the game today. Everybody is recognizing it. And the future is not holding on to the past things, recognizing ki ab dunya kya ban gayi hai aur usme empowerment se kya murad hai. उसमें इनेबल करने से क्या मुराद है. एंड राइटली सेड बाय सदफ, वी आर अ कंट्री व्हिच हैज टेरिबल स्टैटिस्टिक्स व्हेन इट कम्स टू आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन एंड वुमेन टॉप द लिस्ट इन दैट. नॉट ओनली दैट, अ लॉट ऑफ गर्ल्स हैव टू ड्रॉप आउट ऑन द वे ड्यूरिंग देयर एजुकेशन ड्यू टू वेरी वेरी बेसिक चैलेंजेस इन दिस कंट्री. सो बहुत जरूरी है सबका काम करना, एक लड़की का पढ़ना, एक घर का पढ़ना है, माशरे का उठना है. हम सब ये बात अब जान गए हैं और आई बिलीव कि हम रिकग्नाइज भी करते हैं और सब अब एक्शन की तलाश में. यकीनन वो एक्शन जो कि हमारे कल्चर से मांगी रखता हो, हमारे वैल्यू से मांगी रखता हो. और उसमें जिस तरह सदअप का इनिशिएटिव है, इस तरह के बेशुमार इनिशिएटिव्स स्किल्स देते हैं खवातीन को, उन्हें वर्कफोर्स का प्रोडक्टिव मेंबर बनाते हैं. और आज कोविड टाइम्स में हम ये भी देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम हैज बिकम अ पॉसिबिलिटी एंड दैट्स अ गुड साइन. That means that a lot of work that was not possible for women will become possible now. Thank you, Sadab. This has been remarkable. You have been on fire with your work already and with this thought pattern that you have created here. I mean, it was extremely enriching for me, for all of us. And there's lots of love for you on the comments as well. Thank you for joining us. Thank you for doing what you're doing. Keep doing it. May Allah give you a lot of strength. And we need many, many more Sadhavs and many, many more circles around this country to cover the entire circle that we have of our population. Any last thoughts before you leave us? Umair, thank you so much for this opportunity. And I want to thank all the viewers who are sharing their comment and who are sharing their views with us. I think that's really important ki hum apne Pakistan ke logon ko engage karein. I believe our country has potential, has promise. इकट्ठे collectively हमने आगे बढ़ना है. I'm very open to आप लोगों की suggestions, ideas. Please reach out. I have shared my Twitter, Circle2020, and circlewomen.org is our organization. We are still learning. We are experimenting. We're iterating. There are big problems to solve in our country. And the problem where I'm really trying to put our attention is youth. की एम्पावरमेंट, स्किल्स, विमेन को आगे लेके आना, ताकि हमारा मुल्क जो है, वी नो दिस, नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैज प्रोग्रेस्ड लीविंग इट्स विमेन बिहाइंड. वी विल नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस आल्सो, एंड वी मस्ट टैप इनटू द पोटेंशियल. लाइक वी सॉ अर्निया जो यहाँ पे आई थी, आई एम सो इंस्पायर्ड बाय हर, बाय विमेन लाइक हर. सो वी नीड टू एंगेज. एंड आई थिंक मेरी रिक्वेस्ट यही होगी उमेर के हमारे जो व्यूअर्स हैं, आई होप आप कोई एक चीज जो इससे लेके जा रहे हैं उसको अप्लाई जरूर करें. Who supports, a young woman in your family, ताकि वो आगे बढ़ सके, क्योंकि उसकी ड्रीम में पाकिस्तान की ड्रीम. Wonderful. Thank you very much for being so inspiring, for being yourself, Sadaf. Always heard great things whenever seen you. So grounded, so meditative, and so powerful in your action. May God bless you. Keep doing what you're doing. Khuda hafiz. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. This was Sadaf Abed. What a wonderful person. Power woman she is and what she has done for many, many women in this country. Kaam jari hai unka. Aap join kar sakte hain. Ideas de sakte hain. Aur yakeenan bahut sari ladkiyon, khawateen ko recommend kar sakte hain ki wo ghar baithe apni skills grow kare. हम मर्द टाइम देंगे तो वो स्किल्स भी ग्रो कर सकती हैं और बहुत सारे और काम कर सकती हैं. और यकीनन वही माशरा कामयाब है जो कि तमाम आबादी को साथ लेके चलता है और तमाम के लिए मौके बनाता है, इनेबल करता है कि वो आगे बढ़ सकें. आप सबका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए. थैंक यू रुकैया, थैंक यू जरीन,
Thank you, Mizbah, Fareha, Amna, Sarah, Gulshan. Lots of you joined today. I don't know from where all, if you didn't write it, please put it down. Where did you join us from? And also, Sadaf ki baaton mein se jo ek baat aapko bahut zyada mutasir ki, inspire ki, zara sa chhod ke jayein khayalat. Also, Sadaf ne kaha, apna hissa daane. You can share this message, you can share this video. This can go around and help a lot of girls, women understand. You can go to Circle's page, join the movement, and also share the programs offered there. Jaisa Sadaf ne bataya, is waqt bhi programs hain. Kaam kare, acha kaam kare. बीमारियों से बचें, दूसरों को बचाएं और लॉकडाउन को हर वक्त अपने टाइम को लर्निंग बनाएं. अगर आप लर्निंग मोड में रहेंगे तो आप अच्छे रहेंगे, लोग भी आपसे मिलना चाहेंगे, आप बढ़ते भी रहेंगे और आप सर्वाइवल जरा कम सोचेंगे. इस दुआ के साथ कि हम सब खैरियत से रहें. आने वाले दिन आसान नहीं, हमारी एहतियात इसे बेहतर बना सकती है. थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन एंड थैंक यू वंस अगेन सदफ एंड सर्कल टीम फॉर बीइंग ऑन द शो. बहुत शुक्रिया आपका. Until next time, inshallah.